हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सबी। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएमडीबी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यानी एसएमडीबी के अंदर कौन कौन से डिवाइस होते हैं, और वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा एसएमडीबी का कि कौन सा डिवाइस किस तरह से दिखता है। सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एसएमडीबी के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो एसएमडीबी का होता है वो होता है उसका बॉक्स, एसएमडीबी बॉक्स। एसएमडीबी बॉक्स जिसको हम लोग एसएमडीबी का इनक्लोजर कहते हैं, मतलब एसएमडीबी इनक्लोजर कहते हैं, जिसके अंदर ही एसएमडीबी का सारा डिवाइस, सारा कंपोनेंट आता है। तो पहला हो गया एसएमडीबी इनक्लोजर, जो कि सरफेस टाइप का और रिसेस टाइप का दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है, और वो वेदर प्रूफ और नॉन वेदर प्रूफ दोनों तरह का हो सकता है वो एसएमडीबी का इनक्लोजर। पहला नंबर जो पहला कंपोनेंट हो गया एसएमडीबी का, हो गया वो एसएमडीबी इनक्लोजर। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है आरवाईबी इंडिकेशन लैंप। इंडिकेशन लैंप जो होता है वो हम लोग फेज जो होता है हमारा आर वाई बी, रेड येलो और ग्रीन, रेड येलो और ब्लू जो फेज होता है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग वो एसएमडीबी में हम लोग लैंप लगाते हैं, मतलब बल्ब लगाते हैं ये तीन कलर का। हम लोग को पता है कि जो फेज, तीन फेज जो होता है वो तीन कलर का होता है, रेड येलो और ब्लू। उसके लिए हम लोग इंडिकेशन लैंप जो लगाते हैं वो हम लोग एसएमडीबी के डोर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। तो ये दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारा इंडिकेशन लैंप। तीसरा कंपोनेंट जो होता है एसएमडीबी में जो हम लोग यूज करते हैं, मीटरिंग डिवाइस। मीटरिंग डिवाइस का मतलब जो होता है वो हमारा करंट मीटर होता है, ठीक है, एमीटर जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बाद वोल्ट मीटर होता है, और या फिर हम लोग मल्टीफंक्शन मीटर यानी MFM यूज कर सकते हैं। मल्टीफंक्शन मीटर में हमारा करंट भी मेजर होता है, वोल्टेज भी मेजर होता है, सारा कुछ मेजर होता है, ठीक है। तो ये हमारा मीटरिंग डिवाइस हम लोग एसएमडीबी के डोर के ऊपर ही इंस्टॉल करते हैं, जिसमें हमारा करंट वोल्टेज सारा कुछ दिखाता है उस मीटरिंग डिवाइस में कि एसएमडीबी में कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना और कितना करंट हमारा यूज हो रहा है। तो ये हमारा तीसरा कंपोनेंट जो हो गया, तीसरा डिवाइस हो गया हमारा मीटरिंग डिवाइस। उसके बाद एसएमडीबी के अंदर हम लोग चलते हैं। एसएमडीबी के अंदर जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है जो कि सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, तो एसएमडीबी में सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा एमसीसीबी यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो एमसीसीबी जो हमारा एसएमडीबी के अंदर जो ब्रेकर यूज होता है, एमसीसीबी ही सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा अगर हमारा कुछ मशीन है तो उसके लिए ईएलसीबी या ईएलआर यूज करते हैं। ईएलसीबी हमारा लो लोड के मशीन के लिए और हाई लोड के मशीन के लिए ईएलआर यूज करते हैं, ठीक है, और इस तरह से मतलब एसीबी भी यूज करते हैं किसी केस में, मगर अगर हमारा जो लोड बहुत ज्यादा रहेगा उस केस में, बट मेजोरिटी ऑफ केस में एसएमडीबी के अंदर हमारा सर्किट ब्रेकर के रूप में एमसीसीबी ही रहता है, ठीक है। उसके बाद जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं वो होता है हमारा बस बार, जो कि एसएमडीबी को कनेक्ट करने के, जो कि एमसीसीबी को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि हमारा जैसे 6 वे का एसएमडीबी है या फिर 4 वे का एसएमडीबी है, 6 वे मतलब 6 आउटगोइंग का एसएमडीबी है या फिर 4 आउटगोइंग का एसएमडीबी है, तो मेन इनकमर से जो सारे पार्ट में जो मेन केबल जो इनकमर में कनेक्ट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एमसीसीबी में बस बार लगा होता है, ठीक है। तो वो जो बस बार भी एक तरह का कंपोनेंट होता है। तो ये सारा जो मेन कंपोनेंट हो गया हमारा, जो मैंने आपको पहले बताया, पहला हो गया एसएमडीबी इनक्लोजर, दूसरा हो गया आरवाईबी इंडिकेशन लैंप, तीसरा हो गया हमारा मीटरिंग डिवाइस जिसमें एमीटर, वोल्ट मीटर या फिर मल्टीफंक्शन मीटर यूज हम लोग कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा ब्रेकर हो गया सर्किट ब्रेकर, और फिर बस बार। उसके अलावा कुछ एक्सेसरीज होती है जैसे कि लीजेंट लगा हुआ होता है, ठीक है, उसके बाद और भी कुछ एक्सेसरीज होती है जो कि हम लोग यूज करते हैं, बट मेन कंपोनेंट हमारा यही होता है जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि कैसा एसएमडीबी होता है और उसमें किस कौन सा डिवाइस किस तरह का दिखता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूं। इससे पहले भी मैंने एसएमडीबी पर एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, ये आप लाइव आप देख सकते हो। ये जो आप सामने देख रहे हो ये हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है और इसके अंदर ये सामने आपका एक एसएमडीबी यानी सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये इसका इनक्लोजर है, ये जो बाहर साइड का जो आप देख रहे हो ये सारा डीबी का एसएमडीबी का इनक्लोजर है जो कि एसएमडीबी बॉक्स भी कहलाता है। इसके ऊपर ये नाम लिखा हुआ है एसएमडीबी का, लीजेंड सबसे ऊपर, और ये हमारा, ये देखो ये नाम लिखा हुआ है, और ये हमारा इंडिकेशन लैंप है जो कि रेड येलो और ब्लू जो है तीन फेज है, जो ये देख सकते हो रेड फेज लिखा हुआ है, वाई फेज लिखा हुआ है और ये ब्लू फेज लिखा हुआ है इंडिकेशन लैंप। इसके नीचे ये हमारा मल्टीफंक्शन मीटर लगा हुआ है जिसके ऊपर आप देख सकते हो ये वोल्टेज है, तीन आर वाई बी तीनों वोल्टेज यहाँ पर आपका
शो कर रहा है। यहाँ पर हमारा जो मीटरिंग डिवाइस है इसके जगह पर एमीटर और वोल्ट मीटर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कंबाइन करके एक मल्टी फंक्शन मीटर यहाँ पर लगाया हुआ है। किसी SMDB में वहाँ पर वोल्ट मीटर और करंट मीटर भी मतलब एमीटर भी हो सकता है। उसके बाद ये जो हमारा ये देखो सारा मीटरिंग डिवाइस और हमारा RYB इंडिकेशन लैम्प डोर के ऊपर इंस्टॉल था, जिसका मेन फेस बाहर साइड में और बाकी जो फेस जो इंटरनल पार्ट है वो डोर के अंदर साइड में। ये आप देख सकते हो इसकी वायरिंग की हुई है डोर के अंदर साइड में मीटरिंग डिवाइस की और RYB इंडिकेशन लैम्प की। यहाँ पर लोड शेड्यूल हम लोगों ने लगाया हुआ है यहाँ पर SMDB का, और यहाँ से ये जो सारा वायर मीटर से है वो हमारा बस बार से कनेक्ट किया हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये TB है टर्मिनल ब्लॉक के थ्रू जो है बस बार से लगा हुआ है। यहाँ पर जो हमारा मीटरिंग डिवाइस है इसकी वजह से हमारा हम लोग को यहाँ पर CT लगाना पड़ा है करंट ट्रांसफार्मर। अगर हम लोग विदाउट मीटरिंग डिवाइस अगर हम लोग इंस्टॉल करते तो ये हमारा SMDB होता तो यहाँ पर CT मीटर नहीं होता। ये जो हमारा आप देख रहे हो ये भी एक तरह का कंपोनेंट का एक्सेसरीज है जो कि हमारा माउंटिंग प्लेट कहलाता है, और इस माउंटिंग प्लेट के ऊपर ही हम लोग सारे ब्रेकर को इंस्टॉल करते हैं। ये देखो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये माउंटिंग प्लेट है। माउंटिंग प्लेट के ऊपर हम लोग जितना भी सर्किट ब्रेकर और बस बार होता है सब कुछ हम लोग माउंटिंग प्लेट के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं ये जो आप देख सकते हो ये ब्रेकर आपको सामने नजर आ रहा है, ये हमारा इनकमर ब्रेकर है, ठीक है। हमारा ये 200 एम्पियर का इनकमर MCCB है, ठीक है। और यहां से जो है ये देखो आपको यहां पर फ्यूज भी लगाया हुआ है वो RYB इंडिकेशन लैंप के लिए ही है, ठीक है। ये हमारा जो MCCB है ये 4 पोल का है, इनकमर में हम लोगों ने 4 पोल का MCCB लगाया है, ठीक है। और आउटगोइंग में हमारा जो है वो 3 पोल का MCCB के ऊपर हम लोगों ने पैडलॉक भी यहां पर लगाया हुआ है, मतलब लॉक करने का एक ऑप्शन दिया है ताकि कोई उसको ओपन ऑफ है तो ओपन ना कर सके। अभी तो ये सारा SMDB में सारा ब्रेकर ऑन है और SMDB भी ये फंक्शनल है, जैसा कि आप देख सकते थे वो लाइट ऑन था RYB इंडिकेशन लैंप का तीनों, मतलब इस SMDB में पावर सप्लाई है। ये जो है हमारा ये न्यूट्रल का लिंक है बस बार, यहाँ पर बस बार जो न्यूट्रल का बस बार अलग है ये और दूसरा जो राइट साइड में था अर्थ का था, और ये आर कलर रेड कलर येलो कलर और ब्लू कलर ये हमारा फेस का बस बार है। ये फेस का बस बार देखो किस तरह से ये हमारा जो है ब्रेकर में कनेक्ट है, ये भी एक तरह का कंपोनेंट है SMDB का बस बार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये देखो किस तरह से इनकमर हमारा इनकमर बस बार किस तरह से कनेक्ट है आउटगोइंग बस बार से। वो जो CT था वो हम लोगों का वो हमारा मीटरिंग डिवाइस था, इस वजह से हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। ये जो देखो ये जो है हमारा 5 वे का है, मतलब 5 आउटगोइंग का SMDB है। यहां पर देखो ये इनकमर इसका लिखा हुआ है 200 एम्पीयर का 4 पोल MCCB इनकमर, वो जो था वो स्टिकर लगा हुआ था वो हमारा लीजेंड कहलाता है, ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने केबल कनेक्ट किया है 95 स्क्वायर mm का 4 कोर का XLPE आर्मर्ड केबल है, XLPE SWACU केबल है, मतलब XLPE आर्मर्ड केबल है। और हमारा जो आउटगोइंग में भी वो भी सेम केबल ही है, बट हमारा 16 स्क्वायर mm का आउटगोइंग में हम लोगों ने केबल लगाया है। और ये MCCB जो है आउटगोइंग का वो आप देख सकते हो 63 एम्पियर का MCCB हम लोगों ने 3 पोल का लगाया है। यहां पर देखो रेड है येलो है ब्लू है, कोई ब्लैक कलर का वायर नहीं है, मतलब न्यूट्रल हमारा सारा अर्थ जो बस बार लगा हुआ है न्यूट्रल जो बस बार लगा हुआ है उससे कनेक्ट है, मतलब हमारा न्यूट्रल MCCB में नहीं आ रहा, मतलब हमारा जो भी आउटगोइंग का MCCB है वो 3 पोल का MCCB है, उसमें न्यूट्रल नहीं आ रहा है। और जो हमारा मेन इनकमर का MCCB है वहां पे हम लोगों ने 4 पोल का लगाया है। ऐसा भी हो सकता था कि इनकमर आउटगोइंग सारा 4 पोल का हो, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि इनकमर और आउटगोइंग दोनों 3 पोल का MCCB भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इनकमर में 4 पोल का लगाया है और आउटगोइंग में 3 पोल का लगाया है, ठीक है। और ये सारा आउटगोइंग का आप 5 MCCB देख रहे हो, 5 MCCB यहाँ पर हमारा 63 एम्पियर का है, और 5 में 5 जो MCCB है सारे में पैडलॉक लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो मीटरिंग डिवाइस है ये हर एक फ्लैट में जा रहा है, एक एक MCCB जो है हर एक फ्लैट के DB के लिए है, तो यहाँ पर हम हर एक फ्लैट का जो है एक सिंगल मीटर है, तो इसलिए हम लोगों ने पैड लॉक लगाया है जो कि अथॉरिटी का रेगुलेशन के हिसाब से हमें लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये देखो बस बार भी आप देख रहे हो, बस बार के ऊपर जो हम लोगों ने केबल कनेक्ट किया है उसमें हम लोगों ने लीजेंड लगाया है, सारा जो है केबल पे मार्किंग किया है। ऊपर देखो ये ग्लैंड है हमारा 95 स्क्वायर mm के केबल के लिए हम लोगों ने यहां पे ग्लैंड यूज किया है, ग्लैंड से केबल ग्लैंड किया है, और ऊपर से ये केबल नीचे लाकर यहां पर आउटगोइंग में हमने इनकमिंग में हमने इसको कनेक्ट किया है लक्स के थ्रू, ठीक है। और आउटगोइंग का जितना भी SMDB है वो भी हमारा लक्स के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। और उसके ऊपर हमने सारे केबल के ऊपर मार्किंग किया हुआ है, ये देखो ये सारा रेगुलेशन हुआ है हमारा अथॉरिटी का, FIVA का रेगुलेशन है कि सारे केबल को मार्क करना है कि कौन सा केबल कहां से आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे फ्लैट में जा रहा है तो मीटर के थ्रू जा रहा है, ये किलोवाट आवर मीटर मतलब एनर्जी मीटर है जो कि अथॉरिटी की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है, लॉक किया हुआ है ये कि इससे जो है जितना भी जो बिल आएगा वो गवर्नमेंट की तरफ से बिल फ्लैट ऑनर को आएगा।
मतलब फ्लैट टीनेंट को। तो ये आप देख सकते हो एसएमडीबी में जो जो कंपोनेंट था मैंने सारा डिटेल आपको बताया कि किस तरह से माउंटिंग प्लेट के ऊपर बस बार और ब्रेकर लगा हुआ है और ये 5 वे की एसएमडीबी है, मतलब 5 आउटगोइंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।